जब हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर उनकी मैसी हेयर और अनकैम्प्ड अपीयरेंस के साथ उन्हें विजुलाइज करते हैं। उन्होंने अपने लुक्स की इतनी चिंता नहीं की, फिर भी उनकी अमेजिंग इंटेलिजेंस और उनकी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज उन्हें अलग बनाती है। उन्होंने दिखाया कि जो अंदर है वो ज़्यादा मैटर करता है देन हाउ यू लुक आउटसाइड। ऑन द अदर हैंड सुष्मिता सेन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की परफेक्टली ग्रूम थी जब उन्होंने मिस यूनिवर्स जीता। लोग उनके बोलने के तरीके, उनके स्टाइल को एडमायर करते थे, शोइंग ट्रू ब्यूटी। सुष्मिता सेन की इनर ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस भी उतनी इम्पॉर्टेंट थी जितने उनके लुक्स। कहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन, कहाँ सुष्मिता सेन, पर हम दोनों के लुक्स को विजुलाइज करते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक मेंटल इमेज बनाते हैं, तो अपीयरेंस मैटर करती है, राइट? कहते हैं बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, पर वो कवर भी तो मैटर करता है ना। ये बुक से हमें इंट्रोड्यूस कराता है। अपीयरेंस पहली इम्प्रेशन बनाती है और पहली इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इम्पैक्ट तो क्रिएट करती ही है, तो क्यों ना हम अपनी अपीयरेंस पे काम करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि अपीयरेंस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और हम अपनी अपीयरेंस पे कैसे काम कर सकते हैं। वेलकम टू द चैनल मोटिवेट विद शची से। नमस्ते, मैं हूँ शचि से, राइटर, एंटरप्रेन्योर और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपीयरेंस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, अपीयरेंस हम दूसरों के सामने कैसे लगते हैं। मैं शुरू करती हूँ एक ग्रेटिट्यूड नोट के साथ ईश्वर से, क्योंकि यूनिवर्स के हर व्यक्ति को उन्होंने ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। हाँ, हम सब ब्यूटीफुल हैं, बस हमें अपनी ब्यूटी पे बिलीव करना होगा, अपनी परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील करना होगा और ब्यूटीफुल फील करना होगा। अब ब्यूटीफुल होने का इम्पोर्टेंस क्या है? नहीं, ब्यूटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ अपीयरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अपीयरेंस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। फिजिकल अपीयरेंस हमारी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ दूसरों के देखने का तरीका बल्कि हम खुद को कैसे परसीव करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं कि फिजिकल अपीयरेंस इम्पोर्टेंट क्यों है। पर्सनालिटी, द वे यू थिंक, आपकी अपीयरेंस आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बूस्ट कर सकती है, जो आपके माइंडसेट और आउटलुक पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अच्छा लगना आपके ओवरऑल एटीट्यूड को एनहांस कर सकता है और मोर पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग एनकरेज कर सकता है। मेंटल हेल्थ, द वे यू फील, अपनी अपीयरेंस का ध्यान रखना आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर बना सकता है। सेल्फ केयर रूटीन्स में एंगेज होना, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग वेल, आपका मूड अच्छा कर सकता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और सेंस ऑफ वेलबींग भी डिवेलप हो जाता है। जब आप खुद अच्छा फील करते हैं तो ये आपके इमोशनल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। एक्शंस, द वे यू बिहेव, आप अपने आप को फिजिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आपके बिहेवियर और दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त इम्पैक्ट करता है। जब आप अपने अपीयरेंस पे कॉन्फिडेंट होते हैं आप ज़्यादा लाइकली पॉजिटिव बिहेवियर एक्सिबिट करते हैं, जैसे असर्टिवनेस, फ्रेंडलीनेस और ओपननेस। इससे बेटर पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। सोशल स्टेटमेंट, द वे अदर्स परसीव यू, आपकी अपीयरेंस दुनिया को एक मैसेज सेंड करती है कि आप कौन है। ये फर्स्ट इम्प्रेशन और दूसरों का आपके कैरेक्टर, प्रोफेशनलिज्म और सोशल स्टेटस को कैसे परसीव करते हैं इफेक्ट करता है। एक वेल ग्रूम्ड और प्रेजेंटेबल अपीयरेंस नए अपॉर्चुनिटीज के लिए रास्ते खोल देती है और दूसरों के इंट्रैक्शन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है। नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए कि आप अपने अपीयरेंस से खुश हैं या आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। अगर आप अपने अपीयरेंस पे काम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में YES टाइप करें, मैं आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करना पसंद करूंगी। एक इम्प्रेसिव अपीयरेंस पे काम करना सिर्फ एक्सटर्नल लुक्स पे फोकस करने से ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। ये इनर ब्यूटी नर्चर करने और ऐसे हैबिट्स कल्टिवेट करने के बारे में है जो आपकी ओवरऑल प्रेजेंस को एनहांस कर सकती है। यहाँ कुछ तरीके हैं एक इम्प्रेसिव अपीयरेंस अचीव करने के लिए, शुरू करते हैं। लुक फॉर द ब्यूटी इनसाइड यू, अपनी यूनिक क्वालिटीज और इनर स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट करें, अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करें। 5 चीजें लिखें जो आपको अपने बारे में पसंद है,
आप तुरंत अपने में चेंज फील करेंगे और ये आपकी अपीयरेंस पे शो करेगा। स्माइल ऑफन। अगर आप नर्वस हैं, स्माइल कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करें, स्माइल कीजिए। अगर आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो स्माइल कीजिए। एक जेन्युइन स्माइल आपकी अपीयरेंस ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आप फ्रेंडली, अप्रोचेबल और कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। मुस्कुराना ना सिर्फ आपको बेटर बना सकता है बल्कि आपके मूड और आपके आसपास के लोगों के मूड पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, क्रिएटिंग अ प्लेजेंट एनवायरनमेंट। एक स्माइल दूसरों को भी स्माइल करने पे मजबूर कर देता है और आपको एक स्माइलिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी बना देता है। इतना इजी तरीका है अपनी अपीयरेंस पे काम करने का, जस्ट स्माइल। स्टाइल वर्सेस ड्रेसिंग इक्विवेलेंट टू ब्यूटी वर्सेस अपीयरेंस। हर ड्रेस ब्यूटीफुल नहीं होती, सब डिपेंड करता है आप उसे कैसे स्टाइल करते हैं। जैसे एक पॉकेट स्क्वायर या टाई पहनना सूट के ऊपर या ज्वेलरी पहनना। सिमिलरली आपकी पर्सनालिटी शाइन करती है जब आप कैसे अपीयर करते हैं। हर इंसान यूनिकली ब्यूटीफुल होता है। अपने बेस्ट फीचर्स को हाईलाइट करें और लेस फ्लैटरिंग वंस को डाउनप्ले करें। ऐसे स्टाइल्स चूज करें जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कराएं, रादर देन फॉलोइंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली। अपने पर्सनल स्टाइल को शाइन करने दें। इजी ऑन योरसेल्फ। कभी कभी आप इतने थके होते हैं कि अपीयरेंस पे काम करने का मन ही नहीं करता, तो समझिए सबसे जरूरी है प्रेजेंट और अवेलेबल होना। ऐसे दिनों में जब अपना बेस्ट फील नहीं करते, अपनी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करो और अपने आप पे प्राउड फील करो। खुद को थपथपाओ कि हाँ मैंने कर दिया। सेल्फ कंपैशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज मेंटेन करने के लिए होते हैं। याद रखें सबके ऑफ डेज होते हैं और उन दिनों में अपने आप के लिए कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। हेल्थ एंड फिटनेस। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और रेस्ट के थ्रू आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। अच्छी सेहत एक नेचुरल ग्लो और वाइटलिटी लाती है जो आपके अपीयरेंस को एनहांस करती है। जब अंदर से हेल्दी होते हैं तो ये बाहर से रिफ्लेक्ट होता है, जैसे क्लियर स्किन, ब्राइट आईज और एक रेडिएंट पर्सनालिटी। एज ग्रेसफुली। बेबीज बड़े क्यूट होते हैं, इवेंचुअली वो बड़े हो जाते हैं और टीन्स वो खूबसूरत होते हैं। तो हर एज की अपनी ब्यूटी होती है। एज के साथ आने वाले चेंजेस को एम्ब्रेस करें, विजडम और एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करें जो एज के साथ आती है, और इन चेंजेस की ब्यूटी को हाईलाइट करने के तरीके ढूंढें। एजिंग ग्रेसफुली का मतलब है अपनी बॉडी का और माइंड का ध्यान रखना और लाइफ की जर्नी को अप्रिशिएट करना। क्लोदिंग। डोंट वरी अबाउट ब्रांड्स। ऐसे कपड़े ढूंढें जो अच्छे से फिट होते हैं और आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। डोंट वरी अबाउट बाइंग न्यू। क्लीन और आयरन क्लोथ्स पहने। नीट और टाइडी अटायर हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। क्लीन और वेल मेंटेन क्लोथ्स आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को एनहांस करती हैं। डोंट वरी अबाउट रिपीटिंग। अपने एग्जिस्टिंग वार्डरोब को क्रिएटिवली मिक्स एंड मैच करें टू क्रिएट फ्रेश लुक्स। स्टाइलिश लगने के लिए आपको नई वार्डरोब की जरूरत नहीं है, जो आपके पास है उसे इनोवेशन करें। ये बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। हाइजीन अ प्रायोरिटी। ये तो आप मानते हैं ना कि शावर के बाद बहुत फ्रेश फील होता है। फ्रेशनेस हमेशा आपकी अपीयरेंस के लिए अच्छी होती है। पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग पे ध्यान दें। एक अच्छा परफ्यूम, वेल कॉम्ब्ड हेयर और डिफरेंट ओकेजन्स के लिए अप्रोप्रिएट कपड़े सिग्निफिकेंटली आपकी अट्रैक्टिवनेस एनहांस कर सकते हैं। वेल ग्रूम्ड होना दिखाता है कि आप अपना ख्याल रखते हैं और आपके आसपास वाले लोगों को भी रिस्पेक्ट करते हैं। रिमेंबर, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर। आपके लव्ड वंस आपको हमेशा ब्यूटीफुल देखेंगे, रिगार्डलेस ऑफ योर इनपरफेक्शन। आप कैसे भी हों उनको अच्छे लगेंगे। अपने आप को पॉजिटिव सपोर्टिव लोगों से घेरे जो आप जैसे भी हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं। उनका पर्सपेक्टिव आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है और आपको अपनी ब्यूटी देखने में हेल्प करता है। फील गुड अबाउट योरसेल्फ। फर्म रहिए अपने बिलीफ में कि आप ब्यूटीफुल हैं। जब आप खुद अपने बारे में अच्छा फील करते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी में झलकता है और दूसरों को आप कैसे दिखेंगे उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। कॉन्फिडेंस एक अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। मिरर के सामने एफर्मेशन यूज करने की कोशिश करें। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आई एम वर्दी, और डिफरेंस देखें और फील करें। स्टॉप सेल्फ क्रिटिसिज्म। नेगेटिव सेल्फ टॉक अवॉइड करें। आई एम फैट, आई एम अनलकी, आई एम अगली। अपने आप के बारे में आप कैसे फील करते हैं वो ग्रेटली आपके अपीयरेंस को इम्पैक्ट करता है। एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज एम्ब्रेस करें और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। सेल्फ क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव एफर्मेशंस और सेल्फ वर्ब से रिप्लेस करें।
हम वैसे हैं जैसे हम अपने बारे में अपने आप को फील करते हैं, तो क्यों ना खुद को ब्यूटीफुल फील करें और अपने आप से खुश रहें। डू इट फॉर योर सेल्फ, अपनी अपीयरेंस पे काम करें अपने सेटिस्फेक्शन और अपने वेलबींग के लिए, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए नहीं। जब आप अपनी हैप्पीनेस और कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करते हो तो ये आपके कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस पे रिफ्लेक्ट होता है। सेल्फ केयर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपके डिजायर्स और गोल से ड्रिवन होनी चाहिए। तो बस इन सब पॉइंट्स पे फोकस करके आप एक इम्प्रेसिव अपीयरेंस कल्टीवेट कर सकते हैं जो आपकी इनर और आउटर ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करती है। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। क्या अपने अपीयरेंस पे काम करेंगे? पसंद आया तो प्लीज थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा। मेरे से और सेल्फ ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन है जो आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूंगी, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। आपका दिन बहुत अच्छा हो।